नहीं, ये लेटर्स नहीं थे, एक लेटर, एक चिट्ठी थी जो फारसी में लिखी गई थी, 111 वर्सेस की चिट्ठी है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखी थी जब गुरु गोविंद सिंह जंगल में अकेले हो गए थे, पंजाब के माछीवाड़ा जंगल में अकेले रह गए थे, और इसलिए रह गए थे क्योंकि जब आनंदपुर पे आनंदपुर साहब जो है, आनंदपुर गढ़ी थी, उस पे मुग़ल फौजों ने घेरा किया हुआ था बहुत महीनों के लिए, और उसके बाद उनको कहा गया था कि आप चले जाइए, और उन्होंने औरंगजेब और उनके सेनापतियों ने एक कसम खाई थी कुरान पे कि आप लोग निकल जाइए, आपको कोई आँच नहीं आएगी, और गुरु साहब और उनकी फैमिली और उनके कुछ खास लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि जो बाकी शहर के लोग थे उन पे बहुत तकलीफ़ गुजर रही थी, तो लेकिन मुग़ल फ़ौजों ने उन पे हमला किया और फिर उनके बच्चे अलग अलग हो गए, दो गुरु साहब के साथ थे, दो अलग हो गए, और उसके बाद चमकौर गढ़ी की लड़ाई हुई जहाँ 40 सिख थे सिर्फ गुरु साहब के साथ, और उनके दो बेटे शहीद हुए, और 40 के 40 सिख, 40 में 3-4 बच गए थे, बाकी सब शहीद हुए, और फिर गुरु साहब को फिर उन 5 सिखों ने बोला कि आप निकल जाइए, तो वो जब निकल गए तो वो जंगल में अकेले थे। अच्छा। और उनके चारों बेटे मारे गए थे उस समय तक, लेकिन उन्होंने फिर भी एक चिट्ठी लिखी, जफरनामा का मतलब है कि जीत का पैगाम। ओके। तो फिर भी उनकी मॉरल जीत हुई थी। ओके। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तो धोखा दे के ये सब किया है। हाँ। तो धोखा तो ऐसे राजा राजे धोखा नहीं देते, तो उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि जो मोरालिटी क्या है वॉर में, मोरालिटी क्या है गवर्नेंस में, ये सब चीज़ें उस पे, असली राजा कैसे होते हैं, भगवान या क्रिएटर उसकी नेचर क्या है, और तुम्हारे रेजिम कितना हॉलो है, इस मॉरली कितना एम्प्टी है, ये टूटा टूट रहा है मॉरली, तो एक तरह की जीत का पैगाम था और एक मॉरल इंडिक्टमेंट थी वो औरंगजेब की। ओके। सर आप ईस्टर्न पंजाब से आते हैं, जो पुराना जो पंजाब हुआ, वेस्टर्न पंजाब, जलंधर नहीं, उसमें अच्छा। तो मैं पैदा हुआ था लेकिन हाँ। मेरे पिताजी वेस्ट पंजाब से आए। अच्छा, आपके पिताजी। तो जो पहले वर्ल्ड वॉर में जो पंजाब का रोल था उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर में पंजाब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था क्योंकि उसमें जैसे हमारे 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स गए थे, उसमें ज़्यादातर, कोई आप एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, चाहे पर लगभग चाहे 1 मिलियन के आसपास जो अंग्रेज़ों की फौज भारत से गई थी उसमें पंजाबी थे। अच्छा। और पंजाबी सिख थे, पंजाबी हिंदू थे, पंजाबी मुसलमान थे, और इन ये असली फौज, ये फौज फौजी बहुत जगह लड़े थे, ये यूरोप में लड़े, ये मेसोपोटामिया जो आजकल इराक कहा जाता है उस रीजन में लड़े, टर्की में लड़े, ये इजिप्ट में लड़े, तो बहुत बड़ी तादाद पे उन्होंने रिक्रूटमेंट पंजाब में करी थी, और बहुत लोग और काफ़ी लोग मारे भी गए थे और इंजर्ड तो बहुत हुए थे, लेकिन वो जब 4 साल बाहर लड़ाई करके आए थे तो उनका नज़रिया भी बदल गया था, उनको एक्सपोजर हो गया था फौजियों ने, कई लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जब वापस आए कि हमने तो अंग्रेज़ों के लिए इतना कुछ किया और यहाँ क्या हमें मिल रहा है, जलियांवाला बाग मिल रहा है। ये भी है, तो यही मेरा, ये मेरी जो क्रिम्सन स्प्रिंग किताब है उसमें भी एक कैरेक्टर, एक ये सोल्जर है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वापस आता है जी, तो कहता है कि मैंने इनके लिए इतना लड़ा हूँ और मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ तो हमारे पे ये गोलियाँ चला रहे हैं। ये भी है। सो सर, जलियांवाला बाग में उधम सिंह के बारे में कहते हैं कि वो प्रेजेंट थे या नहीं थे वहाँ पे? देखिए, ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सवाल है और किसी को पक्का मालूम नहीं है, लेकिन जो रिसर्च मैंने करी है और यही मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, तो मैंने जो मेरी नॉवल है क्रिम्सन स्प्रिंग, उसमें जो उधम सिंह का कैरेक्टर है वो जलियांवाला बाग में उस
उस दिन नहीं होता। अच्छा, नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च करी है और इसमें हमें ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए लोग कहते हैं कि वो था, उसने बड़ी बॉडीज उठाई, उसने पानी दिया, वो जो फिल्म में दिया वो सरासर मेरे को गलत लगता है। अच्छा, वो गलत लग रहा है क्योंकि उसमें कोई ऐसा कहीं पे नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा है, उसकी बायोग्राफी पढ़ी है, उसकी चिट्ठियाँ पढ़ी हैं, उनकी ट्रायल टेस्टिमनी पढ़ी है, वो खुद अपनी ट्रायल टेस्टिमनी में उसके अपने वर्ड्स हैं कि मैं ईस्ट अफ्रीका में था, मैं वहाँ नहीं था। अच्छा। और ये उस खास उन्होंने टेस्टिमनी में दिया है क्योंकि उसको पूछा गया था, जज ने पूछा था कि तुम, दूसरे वकील ने पूछा था कि आप जानते थे ये माइकल ओडवायर जिसको आपने मारा है, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं था नहीं वहाँ पे, मैं तो ईस्ट अफ्रीका में था उन दिनों। तो अब ये कई लोग कहते हैं कि वो तो हमेशा अनरिलायबल नैरेटर था, वो कभी कुछ बोलता था कभी वो, उसकी आइडेंटिटी ऐसी थी क्योंकि उसकी कई आइडेंटिटीज़ थी, कई पासपोर्ट थे, कई नाम थे, वो उसकी उसने सारी ज़िंदगी ऐसे रही थी। तो कई कहते हैं उसने तो ऐसे कह दिया, वो तो होगा नहीं तो ऐसे रहा, पर मेरे को कहीं प्रूफ नहीं मिला कि वो था। और जो इंग्लैंड में जाके उन्होंने मारा, वो पूरी की पूरी घटना? हाँ, वो तो मारा था उसने, बिकॉज उसने फॉलो किया माइकल ओडवायर को, क्योंकि असली जो डायर थे, जो ब्रिगेडियर डायर थे, उसको ब्रिगेडियर जनरल डायर, आजकल हम भारत में, हिंदुस्तान में हम लोग नॉर्मली कहते हैं जनरल डायर, जनरल डायर, वो जनरल नहीं था। अच्छा, वो ब्रिगेडियर जनरल था। ओके। उस पूरी रैंक ब्रिगेडियर का नाम होता है ब्रिगेडियर जनरल, उससे जनरल डायर बन गया वो। वो ब्रिगेडियर जनरल भी उसकी टेम्प्रेरी रैंक थी। अच्छा, टेम्प्रेरी था वो, असली कर्नल था। अच्छा, वो असली कर्नल। हाँ, उसको टेम्प्रेरी रैंक थी ब्रिगेडियर जनरल की। तो जब ये घटना हुई जलियांवाला बाग की, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो उनकी अपनी वॉर मिनिस्ट्री ने उसको ये टेम्प्रेरी रैंक नहीं रखने दी। अच्छा। तो वो जबेनी डाइट, वो कर्नल था। ओके, एट दैट टाइम। हाँ, सो हिज रियल रैंक इज कर्नल। तो ये भी उस किताब में मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। तो ये जब वो तो मर गया था नेचुरल कॉजेस से, लेकिन माइकल ओडवायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय, जिसने सैंक्शन किया था उसको कि तुम कर दो, और जब उसने कर दिया था उसको शाबाशी दी थी, तो उसका बदला उधम सिंह ने उसके बाद 21 साल बाद उसको ढूंढ के, ऐसा समय निकाल के और उसको अपॉर्चुनिटी देख के उसका उसने असैसिनेशन किया था लंदन में 1940 में। ओके सर, आपने एक जगह कहा है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने में। देखिए, मेरी किताबों से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है क्या है। अच्छा, वो कभी अभी कई और समय बात करेंगे, अभी आप किताबों की बात करिए, JLF में बैठे हैं। ओके सर, आपकी जो बुक है वी वर नॉट लवर्स लाइक दैट, उसमें जो आफ्ताब का कैरेक्टर है, तो वो कैसे आपने डिजाइन किया सर? देखिए, वो मेरी पहली नॉवल थी, तो आफ्ताब का कैरेक्टर अब खुद ही खुद बनता गया, शुरू कहीं से हुआ था जब तक वो किताब ख़त्म हुई। तो उसमें जाहिर है कि पहली किताब में बहुत कुछ जो आदमी सोचता है, देखता है खुद पर्सनली, तो वो आ जाता है। और कोई कैरेक्टर, किसी ने कहा है शायद, किसी अंग्रेज़ी नॉवलिस्ट ने कहा है, मेरा लगता नहीं E.M. फॉस्टर या किसी ने कहा है, कि यानी सोमरसेट मॉम ने कहा कि एक कैरेक्टर के लिए कम से कम 6 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, जो ऑथर बनाता है उसको किसी की एक आदत किसी की मिल जाती है, चाल किसी की आ गई, आवाज़ किसी की आ गई, घटना किसी और की आ गई, तो कोई एक आदमी नहीं होता है। सो आफ्ताब इवॉल्व होता गया। अच्छा, इस तरीके से। ओके सर, व्हाट इज राइटिंग फॉर यू? राइटिंग फॉर मी इज द बेस्ट एक्टिविटी आई कैन डू। ए सेकंड लाइफ? इट्स अ सेकंड लाइफ, इट्स अ वेरी रिच इंटरनल लाइफ। ओके। It's something which I can go very deep inside me and put on paper and show to the world. Okay. So it's a great internal journey. It's a distillation of what I experience, what I see, what I think. It's also an expression of your subconscious mind. Okay. आजकल क्या पढ़ रहे हैं सर आप?
any favorite writers of yours? मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, not particularly favorite writers in the sense, but अलग अलग चीज़ें. मैं एक दो नॉन फिक्शन किताबें पढ़ रहा हूँ, एक हिस्ट्री ऑफ रशिया पढ़ रहा हूँ, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की किताब पढ़ रहा हूँ. सो एक हमेशा एक नॉन फिक्शन एक फिक्शन चलती रहती है. कोई एक बुक, हिस्टोरिकल बुक जो आप रेकमेंड करेंगे? लास्ट क्वेश्चन है. हिस्टोरिकल बुक कोई आपकी फेवरेट, कोई भी फेवरेट बुक हो? नहीं, अब देखिए इसमें कोई एक फेवरेट नहीं होती, हर समय अलग अलग होती हैं. बट आई थिंक जो हमारी क्लासिक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर की क्लासिक्स या बाकी लैंग्वेजेस की क्लासिक्स, आई थिंक जो अगर किसी को लिखना है, आगे पढ़ना है, तो एक ना एक ज़रूरी यू नो दो तीन किताबें ऐसी पढ़ते रहना चाहिए. तो जैसे आप टॉल्स्टॉय की कोई किताब ले लीजिए, अच्छा, एना करेनिना पढ़ लीजिए, एक दोस्तोयेवस्की की किताब एक पढ़ लीजिए. तो ये यू नो दे गिव यू अ रिचनेस, दे गिव यू अ वेट ब्रेड. छोटी नॉवेल्स तो खैर होती रहती हैं, पढ़ते रहते हैं, पर आई थिंक एज फॉर द बेसिस फॉर अ राइटर यू हैव टू गो बैक टू सम ऑफ दीज बुक्स एंड सम ऑफ द बिग राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. अंग्रेजी के राइटर्स हैं जैसे हेमिंग्वे है, ग्राहम ग्रीन है, स्कॉट फिट्जेरल्ड हैं, इनकी नॉवेल्स, इनके टेक्निक्स आप पढ़ें तो फॉर योर राइटिंग ट्रेनिंग पर्पजेज इट्स अ गुड आइडिया. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग. थैंक यू. थैंक यू.